Hello friends, welcome to Global Online University channel. Please like and subscribe the channel and also click the bell icon. ठीक है friends, तो last lecture में हमने inorganic reaction mechanism का सारा जितना भी theory है वो सारा हमने cover कर दिया था. तो friends इस वाली video में हम उससे related inorganic reaction mechanism से related कुछ questions solve करेंगे जो CSIR net और आपके gate में आए हुए हैं. ठीक है friends, तो हम यहाँ पर मैंने पांच क्वेश्चन लिखे हैं, इनको समझेंगे और मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट इन गेट और सीएसआईआर नेट में. ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ये नेट में आया हुआ है फ्रेंड्स. तो ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ COCN5Cl3- विद OH- 2 गिव COCN5OH3-. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें. ये चार ऑप्शंस है कि COCN का होल 5 Cl3- की रिएक्शन जब OH- से कराई जाती है तो ये वाला कंपाउंड बनता है फ्रेंड्स. तो अब तीन और चार ऑप्शंस दे रखे हैं कि इट ओबेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. ठीक है फ्रेंड्स, बी वाला हो गया इट्स रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट. ओके फ्रेंड्स, सी है इट फॉलोज SN1CB की, आपका SN1CB फॉलो करती है. ठीक है, और डी हो गया इट्स रेट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन OH कंसेंट्रेशन की, इसका केवल रेट डिपेंड करता है कि OH आयंस की कंसेंट्रेशन के ऊपर. तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात की आपका बेस हाइड्रोलिसिस है, तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था कि बेस हाइड्रोलिसिस SN1CB फॉलो करता है, बट उसके लिए कंडीशन ये थी कि आयनाइजेबल प्रोटॉन होने चाहिए. उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेप में वो इसका अगर यहाँ पर NH3 होता, आयनाइजेबल प्रोटॉन होता, तो वो उसका प्रोटॉन लेकर वाटर निकल जाता था. बट इस कंडीशन में कोई आयनाइजेबल प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगी फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आके इधर लग जाएगा कि ये Cl निकल जाएगा और OH यहाँ पर लग जाएगा. तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, इट ओबेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये नहीं होगी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रिएक्टेंट्स, ये भी बात गलत है. ठीक है फ्रेंड्स, इट फॉलोज SN1CB फॉलो करता अगर इसके पास इस वाले कॉम्प्लेक्स के पास आयनाइजेबल प्रोटोन होते. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया. ठीक हो गया फ्रेंड्स, इट ओबेस ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, और इट्स रेट इज इंडी डिपेंडेंट ऑन OH, तो ये भी बात नहीं है कि केवल OH के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर लिया. तो ये पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, मैं इसको मिटो देता हूँ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्वस Cr3+ की, Cr3+ एक कॉम्प्लेक्स है जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है, अफेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया, उसका वन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गया CONH3 का होल 5 Cl2+. ठीक है फ्रेंड्स, गिविंग कंपाउंड वाई, तो इसने ये रिएक्शन, इसका वन इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ थ्रू इस वाले कॉम्प्लेक्स से, तो ये क्या हुआ, एक वाई कंपाउंड देता है और वाई कंपाउंड आगे हाइड्रोलिसिस देता है, वाई कंपाउंड आगे फर्दर रिएक्शन करके रैपिड हाइड्रोलिसिस देता है. तो ये कह रहा है वाई बताना है कि वाई कौन सा कंपाउंड होगा. इसमें चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये भी नेट में आया हुआ है फ्रेंड्स. तो पहला ऑप्शन है CONH3 का होल 5 2+, पहला कंपाउंड. अब बी ऑप्शन है CONH3 का होल 5 OH का पूरे का होल का माइनस, और सी ऑप्शन है CONH3 का होल 4 OH का होल 2+, और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स CrH2O का होल 5 Cl पूरे का होल 2-. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, Cr एक्वस है, तो अब क्या है, अगर मैं इसको ये देखता हूं तो CrH2O का होल 6, ठीक है फ्रेंड्स, 3+ हो गया. अब ये क्या कह रहा है, इसका वन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ प्लस इसके साथ रिएक्ट करा होगा ये CONH3 का होल 5, ठीक है फ्रेंड्स, Cl2+. तो फ्रेंड्स, हमने इससे लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म. तो फ्रेंड्स, ये इनर स्फीयर मैकेनिज्म का एग्जांपल है. उसमें दो कंडीशन होती है, पहला एक मॉलिक्यूल लेबाइल होना चाहिए, पहला कॉम्प्लेक्स लेबाइल होना चाहिए, और दूसरा इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट के पास ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, ये ब्रिजिंग लिगेंड है तो इसका वन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो जाएगा. ठीक हो गया फ्रेंड्स,
CrH2O का होल 6, ये Cl यहां पर, ये CO, फिर ये NH3, ठीक हो गया फ्रेंड्स, पूरे का होल 4 प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब ये क्या होता है, माइनस वाटर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये Cr ये यहां पर 5 हो जाएगा, अब ये वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cr आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन इसके पास चले जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो CrH2O का होल 5 Cl हो गया। अब ये अगर +3 में है तो ये +2 में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या हो जाएगा, CrCONH3 का होल 5, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये +2 में चले जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या था, Cr +3 में था अब पूरा कॉम्प्लेक्स, और ये अब ये +2 में हो जाएगा क्रोमियम। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, अब ये जो कंपाउंड होता है, अब ये फर्दर हाइड्रोलिसिस शो कर देता है वाटर के साथ रिएक्शन करके, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कहा है कि वाई कंपाउंड कौन सा हुआ, तो वाई कंपाउंड ये हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2+, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक हो गया फ्रेंड्स, थ्रू आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है फ्रेंड्स। तो अब ये कह रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ वाटर, कि वाटर का एक्सचेंज बताना है प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाय 18 टाइम्स। मतलब ऑक्सीजन हमने चेंज कर दिया, कि आइसोटोपिक ले लिया, 18 ऑक्सीजन ओ, मतलब वाटर ऑफ पहला कॉम्प्लेक्स दे रखा CuH2O का होल 6 2+, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपका दे रखा है कॉम्प्लेक्स MnH2O का होल 6 2+, और थर्ड दे रखा है Fe H2O का होल 6 2+, फोर्थ दे रखा है कि NiH2O का होल 6 2+। तो फ्रेंड्स इसका बताना है कि एक्सचेंज ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स हमने एक्सचेंज ऑफ वाटर, मैंने आपको सीरीज याद करने का तरीका भी बताया था, कि अगर ये +2 में है तो +2 में क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या होता है, वो नी फिर मुझसे, यानी MN, वो नी फिर मुझसे जीत, यानी जिंक जीत करवाएगी, क्यों, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था फ्रेंड्स +2 में, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इनका बताना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर, वाटर एक्सचेंज बताना है। तो ये क्या है, वो नी फिर मुझसे जीत करवाएगी क्यों, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, अब करवाएगी क्यों, तो कॉपर वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ वाटर, जो वाटर एक्सचेंज हो गया, वाटर एक्सचेंज की सीरीज है फ्रेंड्स, ठीक है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड्स कॉपर यहां पर +2 वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं इसमें, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है कि करवाएगी क्यों, अब सबसे कम देख लेते हैं कि वो नहीं फिर मुझसे जीत करवाएगी क्यों, वो नहीं, अब क्या है, निकल है फ्रेंड्स, +2 में है, वो नहीं फिर मुझसे जीत करवाएगी क्यों, तो फोर्थ का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में ये नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो नहीं फिर मुझसे जीत करवाएगी, बस हमारा क्वेश्चन लगाना इजी हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी नेट में आया हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक ट्रू स्टेटमेंट फॉर बेस हाइड्रोलिसिस। अब बेस हाइड्रोलिसिस के लिए फ्रेंड्स ट्रू स्टेटमेंट हमें लिखनी है, कि क्या ट्रू स्टेटमेंट होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बी ऑप्शन में कह रहा है द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द डिसोसिएशन ऑफ Cl- इन CONH3 का होल 4 NH2Cl और प्लस हो गया। और सी ऑप्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, दी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ OH माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। डी दे रखा आपका, दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स दी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम CONH3 का होल 5 Cl+। अब फ्रेंड्स
मैंने आपको पहले बताया था जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो पहला स्लो स्टेप होता है, वही रेट डिटरमाइन करता है। अब तो क्या हो गया, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये तो बिल्कुल बात गलत है। जो बेस हाइड्रोलिसिस होती है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर हम सी ऑप्शन को देखते हैं, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओएच माइनस की कंसंट्रेशन, ये भी बात गलत है। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ओएच माइनस एज वेल एज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब फ्रेंड्स जो डी दे रखा, दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स दी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम CONH3 का होल 5 Cl पूरे का होल प्लस। तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ा था कि ये बात होती है, एब्स्ट्रैक्ट करता है फर्स्ट स्टेप में, बट वो फ्रेंड्स वो वाला स्टेप फास्ट हो जाता है। तो फास्ट क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता, वो फास्ट होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बट ये बात बिल्कुल सही है, बट वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। तो बी ऑप्शन बचता है कि हमारा क्या है कि द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द डिसोसिएशन ऑफ सीएल माइनस इन CONH3 का होल 4 NH2Cl पूरे का प्लस। अब फ्रेंड्स क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में वो ये करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है इसका प्रोटॉन, बट ये फास्ट स्टेप होने के कारण ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड वाले स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है क्योंकि स्लो स्टेप होता है और इस वाले कॉम्प्लेक्स से सीएल माइनस निकल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगला देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आया है, गेट में आया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये गेट में क्या है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बतानी है फ्रॉम Fe(H2O) का होल 6 2 प्लस टू Fe(H2O) का होल 6 3 प्लस। तो क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, इज लाइकली टू अकर वाया। पहला ऑप्शन है डीडी ट्रांजिशन, इनर स्फीयर ट्रांसफर और SN1 मैकेनिज्म, और डी ऑप्शन है आउटर स्फीयर ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये क्या हो गया, ये प्लस टू में हो गया, तो ये D6 हो गया फ्रेंड्स। अब ये हो गया आपका प्लस थ्री में, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया D से ये हो गया आपका, तो फ्रेंड्स ये प्लस थ्री में हो गया, यानी D5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो गया, एक लेबाइल हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें पहली बात, ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में ये जरूरी नहीं होता कि चाहे दोनों लेबाइल हो जाए या एक इनर्ट या एक लेबाइल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके लिए ये कंडीशन भी नहीं होती कि, बट अगर इनर होता तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए, बट इसमें ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। डीडी ट्रांजिशन होता ही नहीं है, SN1 मैकेनिज्म भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें अब वाटर तो है ही खुद, अब वाटर थोड़ी वो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बसता आउटर स्फीयर, तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इसमें फॉलो होती है, क्योंकि प्लस टू से ये प्लस थ्री में चेंज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एज लाइकली रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आउटर स्फीयर ट्रांसफर इसमें पॉसिबल होती है, क्योंकि ना तो इसमें ब्रिजिंग लिगेंड है कि कोई इनर्ट, चाहे इसमें अगर फ्रेंड्स ये T2G क्या हो जाएगा, ये प्लस टू में है, तो ये आपका T2G आपका हो जाएगा आपका 3, 4, 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये T2G 4 हो जाएगा और EG 2 हो जाएगा, ठीक है हो गया फ्रेंड्स। तो ये आपका लेबाइल और एक इनर्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब कुछ भी हो जाए, अगर ये दोनों, चाहे इसके लिए कंडीशन आउटर स्फीयर के लिए कंडीशन होती है, चाहे दोनों लेबल हो जाए, चाहे एक लेबल या एक इनर्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स इसका बेस्ट एग्जाम, बेस्ट ऑप्शन हो गया, बेस्ट आंसर हो गया डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो।